Thank <laughs> you. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन आज हमारा ट्यूटोरियल इस जॉयस्टिक के बारे में है और ये जोस्टिक हमारे किट के साथ ही आती है अब इस जॉयस्टिक के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो इसके अंदर हमारे पास दो पोटेंशियोमीटर्स मिल जाते हैं एक ये यहां पर है और दूसरा यहाँ पर एक एक्स एक्सिस के लिए होता है और दूसरा वाई एक्सिस के लिए और उसके अलावा हमारे पास ये पुश बटन मिल जाता है जिसको जब हम प्रेस करते हैं तो ये पुश बटन वर्क करता है तो ये जो पोटेंशियोमीटर है ये बिल्कुल जो हमारा आम पोटेंशियोमीटर होता है इसी की तरह होते हैं जिस तरह हम इसकी नॉब को रोटेट करते हैं तो ये डिफरेंट वैल्यूज देता है तो इसी तरह जब मैं

जाएगी अब सबसे पहले तो हमने ए वन और ए जीरो को एक्स और वाई इंटीजर के अंदर स्टोर कर दिया है क्योंकि ये जो तो पिंस है ये हमारे जॉयस्टिक के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली पिंस के साथ अटैच है और जो पुश बटन था वो हमने पिन नंबर टू के साथ अटैच किया था इसे मैंने टू को एक बटन इंटीजर के अंदर स्टोर कर दिया है व्हाट्सटप के बारे में बात करें तो यहाँ पर मैंने पिन मोड फंक्शन कॉल किया है और उसके अंदर बटन को इनपुट पुलअप दे दिया है बाकी जो एनोलॉग वाली पिन थी इन्हें हमें इनपुट आउटपुट देने की जरूरत नहीं पड़ती और उसके अलावा फिर सीरियल मोनीटर को ऑन करवाने के लिए सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन कॉल किया है और नाइन्टी सिक्स हंड्रेड बॉड रेट दे दिया है क्योंकि हम जो इससे वैल्यूज रीड करेंगे वो सीरियल मोनीटर में ही प्रिंट होंगी लूप के बारे में बात करें तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले इस स्टेटमेंट कॉल की है और उसके अंदर डिजिटल रीड फंक्शन कॉल किया है ताकि ये जो फंक्शन है ये हमारे इस पुश बटन से वैल्यू को रीड कर सके और उसके अंदर मैंने वो बटन वेरिएबल डाल

और उसको भी मैंने सीरियल डॉट प्रिंट करवा दिया है तो अब मैं स्कॉट को रन कर लेता हूं कोड अपलोड हो चुका है और आपको एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज दिखाई दे रही होंगी इस वक्त क्योंकि जॉयस्टिक मिडल में है तो एक्स की वैल्यू तकरीबन मिडल में आपको फोर ही शो हो रही है जबकि वाई की वैल्यू फाइव है तो अभी हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस में इसको मूव करता हूँ तो मैं एक्स एक्सिस में मूव कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता और एक्स की जो वैल्यू है वो जीरो हो चुकी है वाई की फाइव है और अब मैं अगर पुश बटन को प्रेस करूँ तो हमारे पास बटन ऑन भी लिखा आ रहा है लेकिन अब बात यह आती है कि हम कैसे इन वैल्यूज को किसी चीज को कंट्रोल कर सकें तो फॉर एग्जाम्प आज हम कंट्रोल करेंगे इस एलईडी लाइट को और आपको पता है कि जो लॉन्ग पिन है वो डिजिटल पिन के साथ अटैच होती होती है है और शॉर्ट पिन पिन जो होती है, वो ग्राउंड के साथ अटैच होती है और एक हम, हम टू टी भी अटैच कर लेते हैं तो मैं इस लॉन्ग पिन को आर्डिनो बोर्ड की डिजिटल पिन नंबर के साथ अटैच कर देता हूं, और जो शॉर्ट पिन है ये इस रजिस्टर के साथ अटैच है तो इससे मैं ग्राउंड के साथ अटैच कर देता हूँ तो इस वक्त आपको दूसरा कोड भी शो हो रहा होगा और हम सिर्फ एक्स एक्सिस को यूज करके इसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ मैंने एक्स की वैल्यू ली है पिन मोड में हमने

में कन्वर्ट कन्वर्ट करना करना है 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 से से लेकर लेकर तक तक तो मैं मैंने मैंने पर ये लिख दिया कि 0, 120, 1023, इसको हमने उसके बाद एनालॉग राइट फंक्शन कॉल किया है और यहाँ पर मैंने पिन नंबर को एक्स वैल्यू दे दी है यानी अब जो भी हमारी एक्स वैल्यू होगी अब मैंने ज़ूम किया है और ब्राइटनेस को इंक्रीज़ करता हूँ मैं तो शायद अब आप क्लियरली नोटिस कर रहे होंगे कि ब्राइटनेस इंक्रीज़ हो रही है अब मैं डिक्रीज़ करता हूँ तो जीरो वैल्यू मिल जाती है एलईडी लाइट को तो ये थी आज की वीडियो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अगली वीडियो में मिलते हैं अला हाफ़